आपके पास पैसा है तो लोग पूछते हैं कैसा है, छोड़ो इन मतलबी लोगों को, इनका स्वभाव ही ऐसा है। वेलकम टू जॉर्ज जेके फैक्ट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मनी इज़ द पावर, तो आज हम बात करेंगे पैसे से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्यमय बातों के बारे में जिनसे आप अभी तक अनजान हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, RBI के जानकारी के इस समय में भारत में 400 करोड़ रुपए के नकली नोट हैं। फैक्ट नंबर 2, नोटों पर सीरियल नंबर इसलिए डाला जाता है ताकि RBI को पता चलता रहे कि इस समय मार्केट में कितनी करेंसी है। फैक्ट नंबर 3, भारतीय नोट किसी आम कागज़ के नहीं बने होते हैं बल्कि कॉटन के बने होते हैं। ये इतने मजबूत होते हैं कि आप इनके दोनों सिरों को पकड़कर फाड़ नहीं सकते। फैक्ट नंबर 4, सुरक्षा कारणों की वजह से आपको नोट के सीरियल नंबर में OXYZ अक्षर नहीं मिलेंगे। फैक्ट नंबर 5, भारतीय नोट पर महात्मा गांधी की जो फोटो छपती है वह तब खींची गई थी जब गांधी जी तत्कालीन बर्मा और भारत में ब्रिटिश सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत फ्रेडरिक पेथिक लॉरेंस के साथ कोलकाता स्थित वायस राय हाउस में मुलाकात करने गए थे। फैक्ट नंबर 6, एक समय पर भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए 0 रुपीज का नोट फिफ्थ पिलर नाम की एक गैर सरकारी संस्था द्वारा जारी किया गया था। फैक्ट नंबर 7, हर सिक्के पर स्थान के नीचे एक खास निशान बना होता है। आप उस निशान को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये सिक्का कहाँ का है, जैसे मुंबई का निशान हीरा, नोएडा का डॉट और हैदराबाद का सितारा। फैक्ट नंबर 8, हिंदी और अंग्रेजी के अलावा नोटों पर दूसरे कुल 15 भाषाओं का इस्तेमाल होता है, जिसमें कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, उर्दू, तमिल, कन्नड़, असमी, कोंकणी, मराठी, गुजराती और बंगाली भाषा का प्रयोग होता है। फैक्ट नंबर 9, हर भारतीय नोट पर एक खास तरह की तस्वीर होती है। ये तस्वीर जानवर, प्रकृति, इंसान और आज़ादी के आंदोलन से जुड़ी होती है। 10 रुपए के नोट पर हाथी, गैंडा और शेर छपा होता है। वहीं 20 रुपए के नोट पर अंडमान द्वीप की तस्वीर होती है। 100 रुपए के नोट पर बादल और पहाड़ की तस्वीर होती है। तो कैसे लगे आपको ये अमेजिंग फैक्ट्स, अपने विचार ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके भाई का चैनल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।